अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद कार्य का सिंह उसके ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग भगवान शंकराचार्य की तरह बचे दो मंगलाचरण शुरू और अंत में गुरु प्रणाम मंत्र को प्रकाशित हो जाए। तो पहला का तो दो का हो गया, मतलब एक शुद्ध चेतन व्यापक तत्व अपनी चेतना पर किरणों के द्वारा सारा संसार के व्यापक प्रकाशित दे सकता है। वही जीव रूप धारण करके जाते स्वप्न सुषुप्ति तीनों पुस्तक को भोग करते हैं और फिर वही जो है क्या होता है अंदर उसी के अंदर जब हम इस शरीर से तारात्म छोड़ते हैं तो आपके तुल्य भाव जो है उस भाव को अनुभव करते हैं। ये एक बार विधि रूप से दिखाया, एक बार अब निषेध रूप से दिखाया, एक अधर्म प्रक्रिया के रूप में दिखाया, फिर एक है अपवाद प्रक्रिया। तो अपवाद जिसके लिए अधर्म प्रक्रिया को दिखाने समय प्रज्ञान बहुत शुरू किए थे और अपवाद चढ़ते समय हम जिस शेर में पहले कदम रखते चढ़ते समय उतरते समय जिस पर अंतिम कदम रखते थे वहीं पर चरण रख के उतरना पड़ता है। इसके बाद अंतिम में भगवान भाष्यकार ये जो ब्रह्म की महिमा को प्रकट करने के लिए ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, फिर अपने परम गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना। इसको मतलब ब्रह्म को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, जब ब्रह्म तन्नतस्मि, जो प्रसिद्ध ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार का कारण क्या है, प्रणत भय विहंती, मतलब उस ब्रह्म को ईश्वर को नमस्कार करने से हमारा भय को नाश। अब जो लक्षण को कहते हुए जन्म रहित होते हुए भी जन्म हुआ जैसे प्रतीति होते हैं, अपनी ऐश्वर्य माया शक्ति के बल गति रहित होते हुए भी गतिमान हो गया जैसे, एक होते हुए भी अनेक जैसा प्रतीति। किन लोगों को, जो लोगों भेद में रहने उस भेद बुद्धि में रह करके उसकी महिमा पर उसको मजा लेने की इच्छा करते हैं उनके लिए तो ऐसा, और ज्ञानी पुरुष के लिए अथवा तत्वदृष्ट पुरुषों के लिए रहता है ये पूर्ण व्यापक ब्रह्म तत्व विद्यम मनुष्य विज्ञान। ये इस प्रकार ब्रह्म प्रणाम करने के बाद फिर जो है अपने परम गुरु को प्रणाम करते हुए ये कहते कि पूज्याभिपूज्यम परमम गुरुम अमुम पाद पाते युतस्मि, है ना। यहाँ पर सामान्य नमस्कार बोला, यहाँ पे विशेष नमस्कार मतलब उनके चरणों में हमारे सिर को उनको प्रणाम करने का कारण क्या है, क्योंकि उसने करुणा करके जीव को जन्म मृत्यु रूपी है, जीव को जन्म मृत्यु रूपी मतलब इसमें इसमें जन्म मृत्यु रूपी जो संसार में समुद्र है उसमें जो है डूबते हुए देख करके
वो क्या करते हैं कि उद्धार करते हैं। क्या उद्धार करते हैं? ये अमृतमय तत्व जो वेद में निहित है। तो कैसे उद्धार करते हैं? ये अपने प्रज्ञारूपी वैश्विक दंड के द्वारा वेद रूपी महा समुद्र को अब मंथन करके जो सार तत्व है, मतलब दंड में मंथन से छूटने के लिए क्या उपाय है उसको दिखाने के लिए, ये जो देवताओं का सामान्य जो अमृत है वो तो समुद्र मंथन के समय निकला था, अब देवता लोग इस तरह उसको प्राप्त किया था, तो ये अमृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस प्रकार का अमृत तत्व को उसने संपूर्ण वेद के सार के रूप में निकल करके हमारे सामने आया। अब जो है अपने गुरु को प्रणाम करते हुए श्लोक को ठीक है ना, ये दो हो गया था। आप किस तरह ऊपर अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, यत्प्रज्ञालोकाभाषा प्रतिहति अगमत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जुन्मज्जच्च भोरे यशक्रिदुपजनान्वपेत्राशनेमे यत्पादावास्कृतानां श्रुतिशमविनय प्राप्तिरक्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावे नमस्ये यत्प्रज्ञालोकाभाषा प्रतिहतिमगमः शान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च भोरे यशस्कृदुपजनो दम्पतीत्राशने मे यत्पादाश्रितानां सुशिशविनय यहाँ भी हम अंतिम से शुरू करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, और शुरू से शुरू करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। जब प्रज्ञा लोका भाषा जिनकी ज्ञान की आलोक की आभास मात्र से जब प्रज्ञा लोका भाषा, देखिए वहां पे एक नंबर की टिप्पणी दिखाई बहुत लोक भाषा आलोक है वहां पे जब प्रज्ञा लोक भाषा छंद है वहां पे एक नंबर टिप्पणी के कारण मतलब ज्ञान दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी हम भी पहले से कंफ्यूज होता है कि अब यहाँ पे ऐसे क्यों रखा हुआ है, आलोक है वहां ठीक है ना। जब प्रज्ञा लोक भाषा जो प्रज्ञारूपी आलोक की आभास के द्वारा है ना, जिनकी प्रज्ञारूपी आलोक के आभास के द्वारा, तो देखिए वहां पे अब टिप्पणी से स्पष्ट हो जाएगा आलोक भाषा ही वहां पे भाषा लिखा कि भाषा लिखा हमारे पुस्तक मोह लिखा आलोक प्रकाश स्वरूप ठीक है, आलोक प्रकाश स्वरूप आदित्य तदीय भाषा इति आलोक मतलब होता है जो प्रकाश स्वरूप होता है उसका दृष्टांत क्या है जैसे आदित्य, इस प्रकार गुरु जी का ज्ञान जो स्वरूप होता है उस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा भाषा के प्रकाश के द्वारा प्रतिहतिम अगमत नाश हो गया, प्रतिहतिम अगमत मतलब नाश हो गया। क्या नाश हुआ? शांत मुहांत अपने अंतकरण में विद्यमान अज्ञान रूपी मोह के अंधकार जिसकी ज्ञान के प्रकाश से नाश हो ठीक है ना। कि यत् प्रज्ञा लोका भाषा जिनकी ज्ञान रूपी आलोक की आभास के द्वारा स्वांत मोहांधकार अपने अपने अंदर विद्यमान गुरु जी के अंदर विद्यमान है मेरे अंदर प्रकाश हमारे अंदर विद्यमान ज्ञान के प्रकाश कहाँ दिखा रहे हैं गुरु जी का अंदर, हम तो ज्ञान तो एक ही है तो
नष्ट क्या हुआ, हमारे अंदर में मोह रूपी अज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार अंधकार प्रतिहति प्रतिष्ठित रूप से नाश हो गया। मेरा दुर्गति क्या थी उस अपने जो पते उसको समझे मैं मतलब मेरा मज्ज उन्मज्ज च घुरा गुरु जी का भीषण नहीं दे रहे हैं, अपना भीषण पहले दे रहे हैं कि मैं क्या मज्ज उन्मज्ज च घुरे जैसे पलालों के तरह पर नीचे जाना है एक गुरु पर नहीं पर नीचे जाना है एक गुरु पर। इसी प्रकार संसार सागर में बार बार ऐसे नीचे आना ऊपर जाना ऐसे करता था कि मैं घुरे अशक्ति एक बार नहीं अनादिकाल से ना जाने कितना बार ऐसे हो शक्ति मतलब एक बार अशक्ति तो अनेक बार उपजन जो प्राप्त किया हुआ था ये जन्म मृत्यु यह शब्द है कि उदन गति उदक और उदक वाला स्थान पर समुद्र उदन गति संसार रूपी घोर समुद्र में त्राशने में मतलब ये जो है मज्जुर मज दिवस है त्राशनम त्राशने में इसको त्राश कर नाश करने में त्राश मतलब इसके जिसकी भय से भय भी त्राश हो रहा था मुझे त्राश है किसके तरह दो मंच उन्मंच दिवच रहेंगे नीचे जाना ऊपर नीचे जाना ऊपर रहना इस प्रकार से जो मैं बार बार कर रहा था वो क्या हुआ कि कहाँ पे संसार रूपी सागर में बार बार जो जन्म मृत्यु के चक्र में डूब रहा था उठ रहा था इस प्रकार की जो त्रास था भवरूप और इस रोग से भी बार बार पीड़ित हो रहा त्रास है मेरे को दोबारा ना पकड़ ले इस प्रकार मेरे लिए क्या हुआ कि उसने हमारा जिसके चरण केवल मेरा अकेला नहीं जिनकी चरण जुगल को जो कोई भी आश्रय किया जिन दो चरणों को चरण जुगल को आश्रय करने वालों का श्रुति शम विनय प्राप्ति अग्राही अमोहा श्रुति में कहा गया है जो ज्ञान जो संयम श्रद्धा और साथ में विनय है ना मतलब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो उपाय ये सब जिसकी चरण को आश्रय करने पर ज्ञान प्राप्ति के साधन और बाद में ज्ञान जो कभी आपका विफल नहीं जाएगा अमोघ अमोघ फल है मतलब विफल होगा मतलब वो वैराग्य अगर हो जिसलिए आपने उसको प्राप्त किया वो आपका विभिन्न नहीं जाएगा वो विभिन्न नहीं जाएगा मतलब ज्ञान प्राप्ति हो ही जाएगा सभी को यह ज्ञान प्राप्त हो ऐसा कहने के लिए जब पादो अस्तितानाम श्रुति शमन विनय प्राप्ति ध्यान लगे पड़े श्रुति में कहे गए जो ज्ञान और उसमें जो है छठ संपत्ति और इतने के गुरु की प्रति श्रद्धा प्राप्त होते ऐसा श्रद्धा प्राप्त होता है कि जो आपका कभी भी विफल नहीं जाएगा इतना उत्कृष्ट अपना मतलब उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो श्रद्धा को प्राप्त करता है जो कभी विफल नहीं जो बोला जत पाद तत् पाद उन दो चरण युगलों को चरण कमलों को वो क्या करता है पावनी क्यों संसार में पवित्र करने वाली कितना वस्तु होता है परंतु गुरु चरण सबसे पवित्रतम है जो संसार को पवित्र करने वाले उन चरण युगल को और वो क्या करता है भव भय अभिनंद चरण युगल का आश्रय करने वाले का भव व्याधि का नाश हो जाता है भव व्याधि को नाश करने वाले चरण युगल को मैं सर्व भावेर नमस्से मैं क्या करता हूँ जितने प्रकार से नमस्कार किया जा सकते हैं वाणी से मन से बुद्धि से शरीर से हर प्रकार से मैं उनको नमस्कार आप देखिए यहाँ पे टिप्पणी के रूप में एक रंग बना रहा है कि आलोक प्रकाश स्वरूप आदित्य ऐसा आदि तदीय भाषा इस प्रकार के गुरु जी के प्रकाश इस प्रकार क्या कहने का क्या है जिसके जिस प्रकार से आदित्य के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है इसी प्रकार गुरु जी के अंतकरण के जो प्रकाश आत्म प्रकाश से हमारा अंतकरण के अंधकार विनाश करते हैं आदित्य सारा संसार के अंधकार को नाश करते हैं इसी प्रकार गुरु जी के अंतकरण के प्रकाश से हमारा गुरु जी के प्रकाश
नष्ट, हमारे अंदर के अज्ञान रूप महात्मा का अहंकार नाश हो। दो नंबर टिप्पणी, मोहांधकार मोह अविवेक अंधकार तत्कारण अज्ञानम। मोह मतलब हो गया अविवेक, और अविवेक के कारण जो हम व्यवहार करते हैं अज्ञान में व्यवहार करते हैं उसी को बोला है। मोह अविवेक अंधकार, उसी को अंधकार बोला। तत्कारण अंधकार कारण क्या है? अज्ञान। तीन नंबर टिप्पणी में, यत् पादौ आस्तिकानां आस्तिकानां मत इतरेषाम अपि, केवल मैंने जो कोई भी इस गुरुचरण को आश्रय किया सभी के लिए यही फल। मत इतर मेरे से भिन्नों का भी, मत इतरेषाम मेरे से भिन्नों का भी इतिहास। चार नंबर टिप्पणी में, नमस्से नम धातु आत्मभाष प्रदर्शन प्रदर्शन करें। अब यहाँ पे ना आत्म नमस्कार करता हूँ, यहाँ पे क्या है वार्तिक आया हुआ है। नमस्कार नमो, फिर हो गया आपका वरिवस और सका है चित्रंग नमो वरिवस चित्रंग क्लच प्रिय, वार्तिक शिष्य क्लच प्रत्यय होता है। वहां पे तीन शब्द है नमः, ये पूजायाम पूजार्थ में आता है, वरिवस ये परिचर्चाया परिचर्चार्थ में आता है, और चित्रंग मतलब आश्चर्य अर्थ में आता है। ये वार्तिक वार्तिक के बल पे यहाँ पे जो है ये गंकार वहां पे है ना आत्म पदार्थम चित्र शब्द से निर्दिष्ट वहां का आत्म पद दिखाने के लिए चित्र पद में गंगा के दिखाई गंगा के वाले को आत्मनिपद जन्मिशन, इसलिए ऐसा भक्ति करने दिखाई कि अपना नमस्य में प्रयोग ऐसा हुआ है। इसलिए बोलते हैं यदि दंदांत श्रुतस्य अनुबंधस्य, एक दंत समास है ना नमो वरिवस चित्रंग नमस्य वरिवस्य चित्रंग, दंत समास के अंत में चुनाव दिया है जो अनुबंध, अनुबंध क्या है गंकार। कोई भी धातु पाठ में यदि कोई गंकार इत वाला गंकार इत वाला धातु में पढ़ा गया है उसका आत्मनिपद धातु होता है, आत्मनिपद यहाँ पे बोलते हैं कि क्वाच की दृष्टांत श्रुतस्य अनुबंधस्य, दृष्टांत में सुनाई दिया जो अनुबंध है विपक उसको क्या हो गया विलक्ष्य वशात, उस अनुबंध में माना विलक्ष्य वशात प्रत्येकम संबद्ध अभिप्रमात आत्म शब्द के साथ संबंध भवान था वो बंकार शब्द के साथ है बंध शब्द पढ़ा गया है तो जितना पद उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द के साथ करना है। यहाँ पे गंकार है अंतरंगता, वो अंतरंग साधन
अंदर की बात है, उसे बोलते हैं स्वगुरु भक्तिर्विद्या प्राप्तो अंतरंगतम अंगीकृत, इसको मान्यता देकर के तदीय पाद सरस युव, उन्हीं के चरण कमल वही, सरस मतलब होता है जलाशय, अब उसमें उत्पन्न होता है, सरस में उत्पन्न होता है कमल, इसलिए कहते सरसी रूह, सरसी मतलब सरोवर में उत्पन्न होते हैं जो कमल, उसका चार युग का पाद सरस युग जुगलम, चरण कमल जुगल को, चरण कमल जुगल को प्रणामति प्रणाम करते हैं, और प्रणामति भगवान भाष्य चरण पादरण सरसी कमल जुगल चरण कमल जुगलों को प्रणाम करते हैं, उत्पन्न होने वाले रो धातु है thing will grow in the pond. Sarasi Bhasaraja. Sarasi Bhasaraja Pranamati. Jat Prajnana Kamasa. Tesham Asmat Guruna Padu Sarva Bhavehi Ma Mano Vihana Prahavi Bhavehi Namaste Namri Bhavavi Iti Shamanda. Ab Anno kya hota hai? मतलब देशा मतलब अपने गुरु की श्रद्धा दिखाने के लिए मतलब गौरव अर्थ में बहुवचन प्रयोग किया, उस गुरु जी का है ना, देशा अस्मत गुरुणाम मेरे प्रिय गुरु जी का पादो चरण जुगलों में सर्व भावे हर प्रकार सर्वभाविक अर्थ क्या कर दिया, वाम मन देहेन, शरीर गुरु के सामने झुका है, मन गुरु के सामने झुका हुआ है, और वाणी से यदि कुछ बोलते हैं झुक करके नमस्य, पूर्ण रूप से झुक करके नमस्य शब्द का अर्थ कर दिया, नम्री भवामि, नम्री मतलब नम्रता से जो कोई नरम होता है हमेशा उसी प्रकार झुक जाता है, नरम हो जाता है, जैसे किसी पेड़ देखना बहुत भयंकर झड़ आया तूफान आया सूख जाता है, परंतु जो पेड़ थोड़ा झुक जाता है वो नहीं, तो ऐसे ही ये झुकने से क्या होता है, अपने अंदर की जो अहंकार परिच्छिन्न अहंकार चला जाता है, वही हमारी बंधन की शरीर से प्रणाम करते थे, ये मतलब बागा जी, इसका नमरी भाव क्या होगा, बागा जी तो क्या है कि बोलते हैं जो गुरुवाक्य को बोलते हैं, ठीक है ना, सुन जाए तो गुरुवाक्य को सुनते हैं, नमरी भाव अभिन्नम है ना, नमरी मतलब एकत्व अभिन्नता के चिंतन, अभिन्नता के चिंतन, क्या कैसा अभिन्नता, जैसे जब कुछ भी हम बोलते हैं गुरु जी अंदर से बोल रहा है, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उन्हीं की कृपा स्वीकार, इसीलिए उनके प्रति हमेशा झुका, ये भाव जब आता है कि अंदर बैठ कर के जो गुरु है वही बाहर बैठ कर के सुन, ये तो वेदांतिक सिद्धांत है, ये मन में भी हो जाए तो आपको बोलने का सुनने का कोई भी क्लेश नहीं होगा, ना होगा ना क्लेश होगा, वादादि नम्री भाव अभिन्न अभिन्न नम्री भाव आश्रय भाव, मतलब अभिन्नता के छह जो नम्र भाव होता है उसका आश्रय, मैंने लिया इस प्रकार का हित प्रकट होगा, नहीं तौच जगत सर्वस्यापि पावनेनो पवित्रतया पवित्रत्वम् आपात निर्वृणाते, कौन है वहाँ पे कौन है, तो मतलब गुरु चरणों गुरु तौच सर्वस्य जगत संपूर्ण सृष्टि का जगत का भी पा
संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। जहाँ जाते हैं जैसे जाते हैं उस स्थान पवित्र होता है। सर्वस्य जगत पावनीयो पवित्र करने वाले पवित्र स्वयं पवित्र है। गंगा जी स्वयं पवित्र है, इसलिए गंगा जी का पानी को छिटा देकर उसको पवित्र मानते हैं। गोबर भी सनातन परंपरा है, गोबर को भी पवित्र माना जाता है, ठीक है। अभी गुरु जी का जो सबसे पवित्रतम स्थान, गंगा जी हर जगह भी उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए बोलते हैं पवित्रता है। गुरु जी का चरण स्वयं पवित्र के कारण पवित्र आपात उस गुरु चरण में प्योरिटी को आधार करते हैं। उसी को बोलते हैं निर्वृणाति संवृत, गुरुचरण को वरण करते हैं। वरण धातु है, नाइन्थ का भी उसमें धातु है, निश्चेष में संपूर्ण रूप से गुरुचरण का आश्रय लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचा जगत सर्वं संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला है, उस जगत का अंतर्पात एक में कि शरीर मन बुद्धि भी है, उसको भी पवित्र है, इसलिए गुरुचरण को वरण करते हैं। तो ऊंचा जगत सर्वस्य अपि पावनीयो पवित्रतया पवित्रत्वम् आपत्त, गुरुचरण पवित्र होने के कारण उसमें पवित्रत्व को आधार करके निर्विनाते उसमें उसको चयन करते हैं, विवरण वरण करते हैं, निश्चेष नीनाते वर्ण करते हैं। तो उच्च स संबंधिना सर्वेशा भव संसार तत्पयुक्त भय स कारणेन सह अपनुद्य पुरुषार्थ परिसमाप्ति पूर्वाते। धातु उभयपदी होता है ना, पुरुते पूर्वाते पूर्वते, पुरुते पूर्वाते पूर्वते, नौ टटोर हो जाएगा। जैसे उपासते उपासाते उपासते, इसी प्रकार ये पूर्वाते द्विवचन है। ये क्या होता है, तौ च चरण स्व संबंधिनां सर्वेषां, उस चरण के आश्रय में जो भी कोई आते हैं सभी का भव संभव भव भय विनोद, इसका अर्थ करते हैं, ठीक है ना। पहले हो गया पादो पावनीयो मूल में है ना, उसके बाद क्या है भव भय विनोद, इसका अर्थ कर रहे हैं। तो च स संबंधिनां सर्वेषां भव मत संसार, ठीक है ना। भव अत प्रयुक्त भय, ये संसरण करने से हमारे भय डर उत्पन्न होता है, बार बार दुख झेलते झेलते भगवान आप यहाँ पे नहीं आना। पुरुषार्थ की परम पुरुषार्थ की परिसमाप्ति, जितना हमारा प्रयास था बस और कुछ नहीं करना, उसी गुरु चरण आश्रय गुरु के पास संसार से। जन्म मृत्यु के बंधन भगवान, मेरा एक प्रार्थना मंजूर करना पड़ेगा, बोलो करो। राम जी को तो तुमने तो कभी ऐसे नहीं बोला, आज ऐसे गारंटी को मांग लो पहले से, बोलो करो। अलग अलग कपड़ा पहना के तुम नचवा रहे हो, इससे तुम संतुष्ट हो कि नहीं। इतना दिन से अलग अलग कपड़ा पहना के मेरे को नचवा रहे हो, इससे तुम संतुष्ट हो कि नहीं हो। नहीं, क्या बात है, तो देखो बात यह है कि तू संतुष्ट हो तो मेरे को प्राइस देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा क्या प्राइस, बोलते कपड़ा पहनाना बंद करो, अगर संतुष्ट नहीं हो तो भी प्राइस देना पड़ेगा। क्या है, तब दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा, तुम समझ गया कि मैं कपड़ा पहनने के नाचने लायक नहीं हूँ, इसका पहना। दोनों तरफ से तो यही बात है कि जो सभी महापुरुषों को ये देखा कि ये शरीर के साथ संबंध ही हमारे, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, दिमाग में उनको यही समझ में आता है शरीर के साथ संबंध ही हमारा दुख के लिए हेतु बनता है, ये ज्यादा होता है दुख के लिए हेतु बनता है। अभी प्रस्ताव अपना अच्छा जैसे बड़ी घटना बोलते हैं, तो चाहे सब संबंधी नाम स
सर्वेशम भव संसार न तत् प्रयुक्त भय, सभी का जो भी का चरण आश्रय लिया वो क्या हुआ कि ये भव शब्द का संसार तत् प्रयुक्त भय, उस संसार से प्राप्त हो जाए जो भय उसके कारण के साथ स्व कारण सह कारण के साथ अपनत्व मतलब नाश करके अज्ञान को नाश करके परम पुरुषत्व निर्देश आनंद को प्राप्त करते हैं। परम पुरुषत्व संप्राप्ति गुरुवाते कोई चरण संसार में बार बार आने जाते दुख प्राप्ति होते ही भय है और उसको नाश करके परम पुरुष निर्देश आनंद को प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ परिसमाप्ति कुर्वन्ति, पुरुषार्थ परिसमाप्ति पुरुष अभीष्ट पूर्णतां इति अर्थः, पुरुष क्या चाहता है पूर्ण आनंद हमेशा आनंद में नित्य रूप से आनंद को चाहता है, बस यही जो प्राप्त करना चाहता है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया कि गुरु जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने का हेतु होगा। अब जो है गुरु जी को निश्चित करते हैं तो उसको लेकर बोलते हैं तान एव गुरु विशेषष्टि, उस परम पूज्य गुरु जी को विशेषित करते हैं, गुरु जी को विशेषण उनको विशेषण के द्वारा समझते हैं। यत् प्रज्ञा लोकाभाषा, ठीक है ना, वो प्रतिक्रिया यत् प्रज्ञा लोकाभाषा प्रतिहति आगमत स्वान्त महंतकार, तत्पादों के संबंध उन चरण जुगल को उसके साथ अन्य के
साथ जिस गुरु जी के तो क्या हो गया, जिस गुरु जी के तो ज्ञान रूपी आलोक की आभास के द्वारा मेरी अंदर की जो है अज्ञान रूपी भूखा अंधकार हो जाता है, उन गुरु जी के चरण जीवन होगा। इसे हम कहते हैं कि मैं मम शांतम मतलब अंतकरणम तस्मिन मोह मतलब व्याकुलता हेतु अविवेक मोह है तस्य कारणं यत् अनादि अज्ञानं व्याकुलता के हेतु है अनादि अज्ञान। तब वो अनादि अज्ञान जेशां मतलब जिस गुरु जी का प्रज्ञा एव आलोक, प्रज्ञा आलोक हमारा प्रज्ञा ही जिसको जो प्रकाश है कर्मधारय समझ प्रज्ञा एव आलोक तस्य भाव सृष्टि तत्व समझ प्रज्ञा लोका भाषा इसमें मतलब कर्मधारा गर्भित सृष्टि तत्व समझ कर्मधारा हो गया प्रज्ञा एव आलोक प्रज्ञा आलोक तस्य भाव प्रज्ञा लोका भाषा आचार्य प्रसाद अवगछति किंतु तत्कार्यम अनर्थ जातम अपि कारण निवृत्तो स्थिति अलभमान अलभमान अलभ आभाषी भवति अलभमान। देखिए बीच में एक टिप्पणी का संख्या दे दिया और कहते क्या किया इधर आकार और उधर धाम वो आभाषी एक पद है आभाषी ठीक है। क्या बोलते हैं न केवलम अज्ञानम एव आचार्य प्रसादात अपगच्छ गुरु कृपा से केवल मात्र अज्ञान का नाश होगा इतना बात नहीं है ना। न केवलम अज्ञानम एव आचार्य प्रसादात अपगच्छ तो चला गया एवं है तुच्छी भवति मतलब वो बिल्कुल तुच्छी भवति क्यों बोल रहे हैं। जब तक जीवित है अज्ञान नाश पहले हो गया था तब तक प्राण तो जनित कुछ संस्कार है जाता है जो काम इसलिए बिल्कुल तुच्छ हो गया कि उनको भी समझ में आ रहा है कि अभी कुछ मतलब अज्ञान ज्ञान होने के बाद कुछ शरीर का प्रारब्ध है व्यासदेव जी को अलग 16 साल का अनुभव दिया कुछ और काम करने के लिए ना तक पढ़न पर रक्षा करने के लिए इसलिए बोलते हैं तुच्छ ही भवति यदि अनुग्रह जी बोले कि ये बोले इतने तत्कार्य अज्ञान का जो कार्य होते हैं अनर्थ जाता संपूर्ण दुख की हेतु असमूह अति वो क्या हो जाता है वो भी कारण निवृत्त अज्ञान निवृत्ति हो जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति से स्थिति अलभ माना वो कारण की निवृत्ति होकर कार्य नहीं रह सकता है। कारण अगर निवृत्ति हो गया तो कार्य नहीं रह सकता। मिट्टी का टूट गया घड़ा बना रहे ये नहीं हो सकता। तंतु निकल लिया गया और पट दिखाई दिया आपको ये नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अज्ञान के कार्य के रूप में जो शरीर और शरीर संबंध दुख जो दिखाई दे रहा था वो जो है उनकी दृष्टि से गया देखने वाले की दृष्टि से कुछ देर तक रहता है परंतु अपनी दृष्टि से चला जाता है। इसलिए बोलते हैं अनर्थ हो जाता है कारण और निवृत्त स्थिति अलग माना कारण की निवृत्ति होने के बाद कार्य को स्थित रहने में संभव नहीं होने के कारण से अलग माना आभाषी भवति वो प्रतीति मत आभाषी भवति देखने वाले से कुछ देर तक दिखाई देता है। भगवत महर्षि का बहुत सुंदर उनका कहना है दशरथ जी के तीन पत्नी थी। दशरथ जी गुजर गया तो दो पत्नी तो विधवा हो गई और एक लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जाएगी क्या। इसी प्रकार जो अज्ञान के कार्य तीन प्रकार के दिखाई देते हैं एक संचित कर्म एक क्रियमान कर्म एक प्रारब्ध कर्म। यदि संचित कर्म और क्रियमान कर्म दोनों ही नाश हो जाते हैं तो प्रारब्ध भी कहाँ रहेगा। ज्ञान की दृष्टि से प्रारब्ध नहीं वो भी चल जाता है देखने वाले की दृष्टि को समझाने के लिए प्रारब्ध को पसंद है। रामकृष्ण परमहंस एक चीज बोलते थे रश्मि आग में जल के राख हो गया बाधित और वृत्ति न्याय बोलते हैं आभाषी भवति उसी को मन में रखते क्या बोलते हैं मत्स्य उन्मत्त च घोर ही असकृत उपजन पुनर वर्ती त्राशने में और देखिए मन में रखता है मत्स्य उन्मत्त जगत असकृत असकृत मतलब अनेक श अनेक बार एक बार नहीं बार बार कहाँ कहाँ घुमा देव तीर जगादि योनिषु तो हो सकता है कभी देव जन्म में गए कभी पशु जन्म में गए देव जो चौरासी लाख योनि में मार 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 घूमते योनिषु जो अयम
नाना विध देह भेद संग्रह मैंने इकट्ठा क्या किया था, अनेक प्रकार की शरीर में अनेक प्रकार की कर्मों के माध्यम से जो संचित कर्म है जो भी कुछ है वो क्या था, असौ एवं उदन्व उदन्वान, यही जो हो गया आपका कि सागर उदन्वान है, जन्म मृत्यु सागर हो संसार हो गया, असौ एवं उदन्वान मतलब उदधि, उदन्वान मतलब क्या है उदधि, उदधि मतलब समुद्र, तस्मिन अतिताशने भयावह वो संसार सागर अत्यंत तो डराने वाले, भयम आवहति इति भयावह, भयम आवहति वहां पे आपको हमेशा डर ही आपके पास आता रहेगा, इसलिए बोलते हैं त्राशने मतलब भय अतिताशने भयावह, कदाचित यथोक्तम अज्ञानम कार्य रूपेण किसी समय ये अज्ञान यथोक्तम अज्ञानम कार्य रूप में, ये कार्य रूप में क्या इस रूप में दिखाई पड़ता है, शरीर शरीर से तादात्म्य उसका दुख अविद्या काम कर कारण रूपेण अकार्य अज्ञान कार्य रूप में मज्ज क्या लिखा है इसको मज्ज मज्ज अनभिव्यक्त अवतिष्ठ ठीक है ना, मज्ज अनभिव्यक्त अवतिष्ठ ठीक है आगे वाला देखा मतलब मतलब क्या हो गया कि आप उस समय बाहर नहीं दिखाई दे मज्जा अनभिव्यक्त अवतिष्ठते कुछ कुछ के यह एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त करते समय अथवा जिस समय अवांतर प्रलय अथवा महाप्रलय हुआ अनादि का समय चलता रहा इसलिए कभी अभिव्यक्त अवस्था में कभी अनभिव्यक्त अवस्था में इसलिए मतलब मज्जा मतलब डूबते हुए क्या हुआ था जब डूब गया था क्या क्या अनभिव्यक्त अवतिष्ठते अनभिव्यक्त अवस्था में रहता हूँ उन्मज्ज मतलब जब ऊपर उठ गया संसार सागर में कभी डूबा कभी उठा जब उठा तब कुछ अभिव्यक्त रूप में दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं कि मज्जा अनभिव्यक्त अवनिष्ठ तदेव च अवस्था विशेषे तद रूपेण उस अवस्था विशेष में रह करके उसके बने उन्मज्ज मतलब क्या हो गया उस रूप में कौन हो गया ज्ञान मतलब उस अवस्था में मतलब जब अव्यक्त अवस्था में पड़ रहा तब तो कुछ कर नहीं सकते ऐसे पीड़ा सहन करते रहे उस अवस्था में जीव पीड़ा सहन दर्शन बोलते हैं कि भव प्रत्यय विध प्रकृति लयाना भव प्रत्यय विधय प्रकृति लयाना जिस समय आप अव्यक्त अवस्था में रहते हैं उस समय भी आपका जो है जन्म के लिए हेतु रह जाता है इसलिए प्रकृति के ऊपर संचरण करने के जो फल प्राप्त होता है आप लंबा समय तक सुप्त जैसे पड़ो रहे जैसा यदि आप अव्यक्त प्रकृति के ऊपर संयम करते हैं तो उसमें जो आपका सफलता प्राप्त हो उसके साथ एक तनु करता क्या हो जाएगा आप लंबा समय तक सुषुप्ति में पड़े रहे अव्यक्त अवस्था में पड़े रहे परंतु फिर भी जन्म जन्म भव प्रत्यय जन्म के लिए हेतु बना रहेगा नाश नहीं ये मध्यम और पुण्यमज मध्यम मतलब रूप में इसे बहुत कष्टदायक ज्ञानी के लिए ज्ञान की तुलना में भी बहुत बहुत कष्टदायक इसलिए आप बोलते हैं कि कदाचित यथोक्तम अज्ञानं कार्य रूपेण मज्ज अनभिव्यक्तम भव अवतिष्ठते तदेव च अवस्था विशेष रूपेण उस अवस्था विशेष रूपेण तद रूपेण अनभिव्यक्त अवस्था फिर उन्मज्ज मतलब अभिव्यक्तम अनर्थकरम हरो सारा अनर्थ दिखाई पड़ता है अनर्थकरम परिवर्तन है अनर्थ के भी परिवर्तन एक ही शरीर में कितने प्रकार का अनर्थ हम झेल घूमते रहते परिवर्तते तद एवं अति क्रूरे तद एवं अति क्रूरे संसार सागरे परिवर्तमानं अज्ञानं स कार्यं आचार्य प्रसादात् अपनीतं आसीत् इति अर्थः ठीक है मैं तदेव मेरे पुस्तक तदेव तद एवं अति क्रूरे संसार इस प्रकार संसार जो भयंकर क्रूर पीड़ा देने वाला यह संसार करीब आनंद नहीं है
सागरे परिवर्तमान बार बार परिघूमते हुए अज्ञानम सकार्य अज्ञान अज्ञान कार्य सहित आचार्य प्रसाद आचार्य की कृपा से गुरु कृपा से अपनी आशित हट गया था अपनी आशित इस प्रकार के गुरु जी को हमने पूरा कर दिया। अब क्या जो थर्ड लैंग ये केवल मेरे अकेले की बात नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार इस गुरु जगत को आश्रय किया उनको ये लाभ मिला, उनको ये लाभ मिला। इसको बोलने के लिए बोलते हैं न केवलम एकस्य ममैव, केवल अकेला मेरा ही हुआ ये बात नहीं है, दूसरे का भी यथक्त फल प्राप्ति आचार्य प्रसाद आविर्भूत। यहाँ तक एक सेंटेंस हो जाएगा न केवलम एकस्य ममैव यथक्त फल प्राप्ति आचार्य प्रसाद, जैसे गुरु कृपा से केवल मुझके मुझे ये फल प्राप्त हुआ ये बात नहीं है, है ना। न केवलम एकस्य मम अकेला मेरा ही एव केवल मेरा ही यथक्त फल प्राप्ति, जिस फल को मैं मतलब अज्ञान अज्ञान की कार्य को नाश करके परम आनंद की प्राप्ति करने केवल मेरा वो एक नहीं है यथक्त फल प्राप्ति आचार्य प्रसाद आविर्भूत आचार्य की कृपा से अभिव्यक्त हुआ। किंतु तत्चरण परिचर्य परायणानाम अन्य सामपि भूय सामिति आह, उनके चरण जीवन की सेवा करने से अनुभूत उससे मैंने तत्चरण परिचर्य परायणानाम उनके चरणों की परिचर्चा है जिसका परायण मतलब सबसे श्रेष्ठ साधन रूप में जिन लोगों ने ग्रहण किया परायणानाम अन्य सामग्री दूसरे को भी भूय सामी एक नहीं देखो उद्धार किया गया भूय सामी की आह इसी को मन में रखते होते हैं। जब पालो अष्टी गाना जब उसे टिप्पणी छोड़ते हुए आ रहा है और कौन सा टिप्पणी दो तक तो पढ़ लिया था तीन नंबर में पहले तीन नंबर है आभाषी भवति जन्मादि कार्य अक्षमी भवति, ठीक है जन्मादि कार्य को करने में समर्थता नहीं रहेगी, शरीर कुछ देर तक रहता है पर दोबारा जन्म नहीं होगा, इसलिए वहां पे आभाषी भवति मतलब जन्मादि कार्य अक्षमी भवति जन्मादि कार्य को करने में समर्थ नहीं होता, ये अर्थ ये तीन नंबर है, ठीक है। अच्छा चार नंबर आया कदाचित सेकंड लाइन में है ना अति त्राशने भयाकरे कदाचित यथक्तम अज्ञानम कार्य रूपेण मच्चर अनभिव्यक्तम अवनिष्ठते। देखो कदाचित के लिए बोलते हैं सुषुप्ति प्रलय आदो इति अर्थ, सुषुप्ति प्रलय में तो सुषुप्ति प्रलय होता है, मैं बोलता हूँ अनादि काल से केवल इतना ही नहीं अनादि काल से कितना बार कितना प्रलय को हमने झेला अब अंत प्रलय महाप्रलय तब झेल ही है ये मानना पड़ेगा हमको। अब दृष्टांत रूप में जैसे सुषुप्ति में मूर्छा में हम हो जाते हैं सुषुप्ति प्रलय आदो इधर प्रलय बोला नहीं अभी सुषुप्ति वर्तमान शरीर में समझ सकते हैं प्रलय आदो प्रलय आदि में मूर्छा अवस्था में कितना कष्ट हो जाए और प्रलय प्रत्येक आते हैं वहाँ प्रलय और अंत प्रलय दोनों प्रलय को चल रहा है कदाचित यथक्तम अज्ञानम कार्य रूप में मज्ज अनभिव्यक्तम अवतिष्ठति। अच्छा तत्रैव तदेव अवस्था विशेष तदीय सुष्ठसा प्रणयी मनीषा दुषा
श्रुति मनन निधि ध्यान समर्पित श्रवण आगे क्या श्रवण ज्ञान श्रवण ज्ञान क्या बोलते हैं ईशा गुरु नाम जिस अनेक गुरु नहीं जिस गुरु का ईशा गुरु नाम पाद द्वय अष्ट नाम उनको चरण डुबल को आश्रय किया जो शिष्य लोग आश्रय अन्य सम शिष्य नाम दूसरे सब तो मुझसे भिन्न अन्य शिष्य का भी अन्य सम शिष्य नाम तदीय गुरु सुस्थ सा मतलब उस गुरु की सुस्थता है अब तदीय गुरु मतलब केवल ये नहीं यहाँ पे जिस शिष्य का जो भी गुरु का चरण कमल सेवा से गुरु शिष्ट सा प्रणयी प्रणय मतलब क्या होते हैं प्रेम गुरु चरण प्रेम इधर छह नंबर टिप्पणी बोलते हैं प्रणयी इति अनुरक्त गुरु चरण अनुरक्त है ना कि प्रणयी मनीषा दुषा मनीषा मतलब क्या है बुद्धि दुषा इस तरह सेवन मतलब बुद्धि की सूक्ष्मता के द्वारा जिसको ग्रहण किया विषय से मन विद्रोह विषय एक भी करती आरती करती
अभिनय अभिनय को लेकर बोलते हैं अवनति अनुध्यत्य तेषां है ना, विनय मतलब हो गया अवनति झुका रहना, नम्र भाव से रहना, उद्धत नहीं होना चाहिए ना, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, मेरे बाबू चाहिए ऐसा चाहिए, नम्रता के साथ इस प्रकार जैसे जैसे समय के साथ धैर्य बहुत बड़ा इसमें सहयोगी है, जो तो अनुध्यत्य तेषां इन सभी गुणों का प्राप्ति हो प्राप्त होता है। और किस गुण में भी प्राप्ति क्या कि वैराग्य की पराकाष्ठा कैसे बोलते हैं अग्रह अग्र शब्द का अर्थ करते श्रेष्ठ, मतलब आपके अंदर जो उपलब्धि होगा वो श्रेष्ठ क्वालिटी को बोलते हैं, अथवा अग्र शब्द मतलब पहले, मतलब पहले इसको प्राप्त करके फिर बना कर फिर गुरु ज्ञान देते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब आनंद गिरी जी बोल रहे हैं कि अन्यान्य कभी साधनों से इस गुरु कृपा से यदि उत्पन्न होता है वैराग्य वो अपने प्रयास से भी अधिक बलवान है, परिश्रम भवा इसलिए होने के कारण
आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ कामे आचरणीय इति अर्थ है। क्या बोल रहे कि भक्षुला कहां पे लिखा केवल हमारे लिए नहीं, गुरु भक्ति गुरु निष्ठा जो है ये ज्ञान प्राप्ति में साधन है, इसलिए क्या करना चाहिए कि मतलब क्या आपका पुरुषार्थ तो समाप्त हो जाएगा, आचार्य परिचरणम आचार्य सेवा है ना, कि आचार्य परिचरण पुरुषार्थ कामे परम पुरुषार्थ को चाहने वाले व्यक्ति लोगों के लिए आचरणीय आचरण करना चाहिए। अब देखिए हम लोग प्रश्न प्रश्न में क्या देखते हैं, लोग ब्रह्मनिष्ठ थे, छह ऋषि जो प्रहलाद जी के पास अशोक जो प्रहलाद जी से कहा ब्रह्मनिष्ठ थे, किंतु उन्होंने क्या बोला कि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं आने से जो मैं कहूंगा ये इनके अंदर फलीभूत नहीं, मतलब एक साल तक फिर आप यहाँ पे ब्रह्मचर्य पालन करके बैठना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रश्न करने का हक होगा, यदि मैं जानूंगा तो बोलूंगा, नहीं जानूंगा तो नहीं बोलूंगा। आप कितना विश्वास करते हैं एक साल तक बैठने का, यही जो है उनके प्रति मतलब झुका नम्रता बिना वो फलिवार अधिक होते हैं, जब समझ लेना। इसलिए बोलते हैं कि आचार्य परिचरण पुरुषार्थ काम आचार्य सेवा गुरु सेवा ये जो है पुरुषार्थ काम करने वाला परम आचरण आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से तीसरा भी बोला है पूरा समय भी बोला है। शांति शांति शांति।